सब भी टूथपेस्ट की मार्केट में खरीदारी करने जाते हैं तो हम में से बहुत से लोग टूथपेस्ट के टेस्ट, कलर या पैकेजिंग देखकर खरीदारी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरीके से हम टूथपेस्ट की खरीदारी करते हैं, क्या यह तरीका सही है या गलत? तो चलिए आज हम दिल्ली की एक्सपर्ट डेंटिस्ट से बात करके बताएंगे कि किस तरीके की हमें टूथपेस्ट खरीदारी करनी चाहिए, खरीदते वक्त हम किन बातों का खास ध्यान रखें और ये भी जानेंगे कि टूथब्रश करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए इन सभी मुद्दों पर डेंटिस्ट से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? हेलो, आई एम डॉक्टर चांसी। मेरा नाम डॉक्टर चांसी है, मैं डेंटल सर्जन हूँ। डिफेंस कॉलोनी में मेरी प्रैक्टिस है, H+ क्लिनिक के नाम से। आई एम प्रैक्टिसिंग ओवर देयर। मैम, आप इस फील्ड में कितने सालों से काम कर रहे हो? मैं 2008 से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, 2008 से। ओके, आपसे एक सवाल था कि जैसे कि आजकल लोग मतलब टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं तो बहुत से लोग कलर, टेस्ट या उसकी पैकेजिंग देख के खरीदते हैं, तो क्या ये सही है तरीका? बिल्कुल, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। आज की डेट में लोग ये जो कलर देख के, जेल देख के या पैसे देख कर टूथपेस्ट खरीदते हैं, इसका आंसर है नो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लाल रंग का है या वो नीले रंग का है या वो महंगा टूथपेस्ट है, तो वो हमारे दांतों को एक अलग से, हमारे लिए दांतों में शाइन देगा या हमारे दांतों की केयर करेगा। सभी टूथपेस्ट एक सा ही काम करते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी में ये पाया गया है, काफ़ी सारे टूथपेस्ट को एक साथ देखा गया, फिर उसका रिजल्ट देखा गया, तो जितने भी अलग अलग तरह के टूथपेस्ट होते हैं सबका रिजल्ट बिल्कुल सेम था। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये देखना है कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए और बेसिक टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड की मात्रा होती है। बस कोई भी टूथपेस्ट लेने से ये चेक कर ले उसमें फ्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए। यस, ऐसे में ऐसे कौन सा टूथपेस्ट बेस्ट रहता है? सारे ही टूथपेस्ट ठीक है, हमारे को ये देखना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कौन सा टूथपेस्ट लें जो हमारे लिए बेस्ट हो। हमारे लिए बेस्ट है कि हम अच्छा टूथब्रश लें और अपना मेंटेन करें, अपनी टेक्निक अच्छी रखें। टूथब्रश करने की तरीका अच्छा होना चाहिए। एक्ट ऑफ टूथब्रशिंग, एक्ट ऑफ ब्रशिंग इज इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू वॉट टूथपेस्ट यू आर यूजिंग। तो मैम, जो हम ब्रश यूज करते हैं वो किस तरीके का हमें ब्रश यूज करनी चाहिए? सॉफ्ट ब्रश, अच्छी कंपनी का, किसी भी अच्छी कंपनी का आप सॉफ्ट ब्रश यूज करिए और दिन में दो बार, एटलीस्ट आपको दो बार ब्रश करना है। वैसे तो हर मील के बाद हमें ब्रश करना चाहिए, पर दो बार ब्रश करना मिनिमम है और हर 3 महीने में हमें अपना टूथब्रश चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मैम, आपसे एक और इम्पोर्टेंट सवाल था कि लोग जो पेस्ट लेते हैं, बहुत से लोग पेस्ट की मात्रा ज्यादा रखते हैं या कम रहते हैं, जी, तो हमें कितनी पेस्ट लेके मतलब ब्रश करनी चाहिए? हमारे हिसाब से टूथपेस्ट पी साइज होना चाहिए एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए पी साइज से भी छोटा, कम मात्रा में पी साइज, एक जो मटर का दाना होता है उतनी ही आपको उस मात्रा में टूथपेस्ट लगाना है, वो हमारे लिए सफिशिएंट होता है। बिकॉज ज़्यादा लगाने से ऐसा नहीं है कि मैं टूथपेस्ट ज़्यादा लगा लूँगी तो मेरे दांत ज़्यादा चमक जाएंगे, नहीं। आप नॉर्मल कम मात्रा में टूथपेस्ट लगाइए, आपके आराम से अच्छे से ब्रश करिए, दिन में 2 दफ़ा ब्रश करिए, आपके दांत प्रॉपर क्लीन होंगे। ब्रशिंग टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे हमें ध्यान देना है वो ब्रशिंग टेक्निक है। अगर हम सोचें कि हमारे, हमने सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट यूज़ कर लिया और इसी से हमें राहत मिल जाएगी, वो बिल्कुल गलत सोच है। सेंसिटिविटी है या केरीज है या दर्द है, उसके लिए हमें अपने डेंटिस्ट को विजिट करना बहुत ज़रूरी है। टूथपेस्ट हमारा डेंटिस्ट का काम नहीं कर सकता है। ओके, मतलब ऐसे अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो पेस्ट ना चेंज करके अच्छे डेंटिस्ट से मिले, हाँ, और हर इंसान को साल में एक बार ही अपना डेंटल विजिट जरूर करना चाहिए। बच्चों को भी डेंटल विजिट, जब से बच्चों के दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं डेंटल विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ों के लिए भी एक बार डेंटल विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।